हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल गायत्री डिश शॉट पर। दोस्तों, क्या आपके स्पीकर का स्पीक ऑन जल जाते हैं? जो आपके पास सॉकेट होता है, जो एम्पलीफायर और बॉक्सों में यूज करते हैं केबल लगाने के लिए, कनेक्शन लगाने के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो में हम उसी का सोल्यूशन लेके आए हैं। तो दोस्तों, जिसे स्पीक ऑन कहते हैं अब वो जलेगा नहीं, और हम उसके कनेक्शन भी बताएंगे और अच्छा स्पीक ऑन दिखाएंगे और प्राइस वगैरह सब कुछ दिखाएंगे इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों, बने रहें वीडियो में। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा स्पीक ऑन रखा हुआ है, पैकिंग में है, आप देख सकते हैं इसकी कुछ इस तरह से पैकिंग आती है। ये हमारा स्पीक ऑन है, ऊपर इस पर ब्रांड का नाम देखने को मिल जाता है, राइस, आप देख सकते हैं। चलिए मैं सही तरह से दिखाता हूँ। राइस ये रहा आपके लिए, कुछ इस तरह से ये स्पीक ऑन इसमें पैक है क्यों आता है। अच्छी क्वालिटी का स्पीक ऑन है, अगर आपका स्पीक ऑन जलता है तो इसे ज़रूर एक बार यूज करें, आपके लिए रेट देखने को ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, इसे फाड़ने के लिए यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पे कट दिया हुआ है और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। ये हमारा इसमें कट लगा हुआ है, यहाँ से ओपन हो जाएगा ये कुछ इस तरह से। इसकी पैकिंग को मैं हटाता हूँ, आप देख सकते हैं ये हट चुकी है पैकिंग, और मैं इसे अंदर से निकालता हूँ। ये हमारा स्पीक ऑन इसमें से निकल चुका है, मेटल में ये स्पीक ऑन है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का स्पीक ऑन है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्पीक ऑन है ये। इसकी ये देखने को मिल जाती है, ये मेटल में है, और इसमें जो प्लास्टिक का यूज किया हुआ है वो भी अच्छा है। ये भी इसमें इसका ऑन ऑफ देखने को मिल जाता है, ये लॉक, जो कि ये भी मेटल में है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लॉक है इसमें। यहाँ पर इसका ब्रांड का नाम देखने को मिल जाता है, राइस, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ये सॉकेट है। चलिए मैं कुछ इसे ओपन करता हूँ कनेक्शन के लिए। तो सबसे पहले चलिए मैंने ये इसे ओपन कर लिया, ये इसकी कैप देखने को मिल जाती है पीछे की, और यहाँ पे इसके ये देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसे केबल, हमारी केबल ये वायर है, इसे टाइट हो जाती है और ये वायर खींचती नहीं है, देख सकते हैं ये दो चीज़ इसमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पे निकालेंगे इसे। दोस्तों, मेल एक्स स्पीक ऑन भी कहते हैं, मेल स्पीक ऑन सब कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये इसका मेन कैप है इसका, और यहाँ पे इसमें कनेक्शन होते हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। चलिए मैं दोस्तों इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए इसमें दिखाता हूँ, इधर ये साइड देखने को मिल जाता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये माइनस वन है और इसके जस्ट सामने वाला माइनस टू है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, माइनस टू है ये, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये माइनस वन और माइनस टू को चाहें तो आप इसमें भी कनेक्शन करते सकते हैं, और इसमें इधर देखने को मिल जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ, अगर आपका इंटरनेट सही है तो प्लस वन और प्लस टू सामने देखने को मिल जाता है, मतलब जो भी देखने को मिलेगा हमने सामने देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसमें सामने प्लस वन और प्लस टू को भी कनेक्ट एक साथ कनेक्ट करके वायरिंग कर सकते हैं, जो प्लस का काम करेगा, और माइनस वन और माइनस टू को भी कनेक्ट एक साथ करके वायर कर सकते हैं, जो कि माइनस का काम करेगा, नेगेटिव का काम करेगा। तो दोस्तों, चलिए मैं इसमें वायरिंग करता हूं कुछ इस तरह से, चलिए मैं आपके लिए दिखाता हूं। तो दोस्तों, हमने इसमें कनेक्शन करने के लिए वायर लिया है, कॉपर का वायर है, लाल कलर का और काले कलर का, रेड और ब्लैक, कुछ इस तरह से हमने ये यूज किया है इसमें वायर। चलिए दोस्तों, इसे ही यूज करने वाले हैं और इसमें कनेक्शन करने वाले हैं, आप देख सकते हैं। इस वायर को छीलने के लिए हमें सबसे पहले कटर लेना होगा, जो कि हमारे इससे, चलिए मैं इससे फटाफट से छील लेता हूं इसमें से कटर की सहायता से। चलिए मैं, ये हमने वायर छील लिया है कुछ इस तरह से, काफ़ी हैवी वायर है, ये कॉपर का वायर है। दोस्तों, आपके लिए मैं बता दूँ, आप जब भी इसमें कोई भी वायर यूज करें, कॉपर का ही यूज करें और हैवी वायर को ही यूज करें। और चलिए दोस्तों, मैं इसमें कनेक्शन करने के लिए इनके पेचों को ओपन करता हूँ, लूज करता हूँ कुछ इसके पेचों को। चलिए दोस्तों, मैं ओपन कर लेता हूँ इसके पेचों को लूज करके,
आप देख सकते हैं, मैं फटाफट से कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने इसके पेच ढीले कर लिए हैं, माइनस वन और माइनस टू दोनों को ढीला कर लिया है। इसमें हम ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे आमने सामने से कनेक्ट करके। चलिए दोस्तों मैं इसमें वायर को कनेक्ट करता हूं अपने माइनस वन और माइनस टू में। कुछ इस तरह से ये हमारा बाहर इसमें जाएगा और इसे पेचकस की सहायता से टाइट करेंगे। मैं जल्दी से टाइट कर लेता हूं दोनों वायरों को एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों यहां पे हमने वायर लगा दिया है काला वाला नेगेटिव का, दोनों आमने सामने लगाया है। एक वायर यहां से कनेक्ट करके माइनस वन और माइनस टू दोनों का कनेक्शन किया है इसमें। चलिए दोस्तों अब हम इसमें प्लस वाला भी पॉजिटिव करते हैं यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट करके। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को जल्दी से बनाता हूँ, आगे के लिए बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं आपके लिए। मैं फिर बता देता हूँ, मैंने माइनस वन और माइनस टू को आमने सामने से कनेक्शन किया है और प्लस वन और प्लस टू का आमने सामने से कनेक्शन किया है, दोनों को कनेक्ट किया है कुछ इस तरह से। चलिए दोस्तों अब हम इसे कसते हैं। सबसे पहले इसमें इस सॉकेट को डालते हैं जो कि ये वायर खींचने के काम में आता है, जो कि इस स्पीकॉन से वायर नहीं खींचने देगा। पहले तो चलिए मैं इसमें डालता हूँ इसको। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर कोई ना कोई डीजे या स्पीकर कोई ना कोई ऐसी वीडियो आते रहते हैं। कुछ इस तरह से मैंने इसमें डब फंस लिया है और सबसे पहले चलिए दोस्तों मैं इसमें इसको डालता हूँ। कुछ इस तरह का ये सॉकेट हमारा यहाँ पे डालते हैं चलिए दोस्तों, और आपके लिए मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से दोस्तों मैं इसमें फंसता हूँ इसके लिए। ये हमारा कुछ इस तरह से निकल आया है बाहर के लिए और मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। अब ये हमारा यहाँ पे सॉकेट आ गया है बनके। चलिए मैं थोड़ा इसमें इस स्विच को डाल देता हूँ पीछे से। इसको मैं यहाँ से कनेक्शन वायर में डाल रहा हूँ, दोनों यहाँ से निकालने हैं मुझे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसे निकाल लिया है और इस सॉकेट में कसने वाला हूँ। ये हमारा सॉकेट है और इस वायर को बीचा बीच में रखना है इस सफ़ेद वाले के में। चलिए मैं यहाँ से कुछ इस तरह से कसता हूँ। चलिए दोस्तों मैं फटाफट से कस लेता हूँ। दोस्तों मैं जल्दी से इसे फटाफट कस लेता हूँ। ये हमारा स्पीकॉन कंप्लीट होने वाला है कुछ ही पलों में। चलिए मैं ये हमारा स्पीकॉन कस चुका है दोस्तों, थोड़ा सा रहा है। ये हमारा स्पीकॉन कस चुका है दोस्तों, अब कुछ इस तरह से ये स्पीकॉन कस चुका है हमारा और इसका वायर भी कस, ये कुछ इस तरह से ब्लैक माइनस और रेड पॉजिटिव हो चुका है। चलिए मैं दोस्तों यहाँ पे एक आठ लगा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये हमारा अब रेडी हो चुका है स्पीकॉन चलने के लिए और यूज करने के लिए। तो दोस्तों आपके लिए हमने स्पीकॉन दिखा दिया है और कुछ जानकारी भी दे दी है और कनेक्शन भी दिखा दिया है मैं कि किस तरह से इसके कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों बात करें हम इसके प्राइस की, तो करीबन 70-90 रुपए के बीच में इसका प्राइस होने वाला है आपके लिए। यह डीजे संबंधित जो सामान बिकते हैं वहाँ आसानी से मिल जाएगा। और आप हमसे भी खरीदना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें या हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारे पास भी अवेलेबल।